everyone, so welcome back to my channel Makeup and More. Myself Poonam Rawal and how are you? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. And आज मैं अपने वीडियो में आपको स्मोकी आइज़ करके दिखाने वाली हूँ. सो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज मेरे जितने भी नए नए वीडियोज़ अपडेट्स आते रहेंगे आपको मिलते रहे, आप तक पहुँचते रहे. सो हाँ, मैं बात कर रही थी स्मोकी आइज़ की, जो आप पार्टी में भी कर सकते हो एंड कई शादी में भी कर सकते हो. तो चलिए मैं आपको स्मोकी आइज़ करके दिखाती हूँ. बेस जो है मैंने पहले से करके रखा है एज़ ऑलवेज, और अगर आपने बेस सीखना है आपको तो आप मेरे स्टेप बाय स्टेप वाले मेकअप वीडियो पे जाके सीख सकते हो. मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फ्रेंड्स मैं पहले आई बेस कर लेती हूँ. ओके, आई बेस के लिए मैं आइवरी शेड ले रही हूँ क्राइलॉन का. अपने आईब्रो को शेप देते हुए ओके, अभी इसे ब्लेंड करना है. पाउडर से सेट कर रही हूँ ताकि क्रीज ना जाए मेरे आईज़ पे. ओके, हमेशा से मैं कोई भी लाइट कलर लेके पहले अपने आईज़ पे ब्लेंडिंग करती हूँ, तो आज भी मैं सेम ही करने वाली हूँ. मैंने लाइट पिंक शेड लिया है और उससे मैं ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर रही हूँ. सेम इस आईज़ पे भी कर रही हूँ मैं. ओके, ओके, फिर आपको क्या करना है, ऐसे पतला सा जो फ्लफी ब्रश आता है, छोटा सा पतला सा, वो लेके क्रीज लाइन से स्टार्ट करते हुए ब्लेंडिंग करते करते आना है ऐसे. आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने हाथों को. ऐसे क्रीज लाइन पे आपको करना है. मैं आगे आके आपको दिखाती हूँ. सी इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे. ओके, ऐसे ओके, फिर ऐसा एक फ्लैट सा ब्रश लेना है, फ्लफी नहीं, फ्लैट सा. फिर जो ब्लैक कलर का आई शेडो है उसको ब्रश में लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, उसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेके अपने अंडर आई एरियाज पे लगा देना है. ओके, ताकि
हमारा बेस जो है वो ख़राब ना हो. ओके, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है. जब भी आप स्मोकी आइस करो या कोई भी ग्लिटर वाला आई शेडो करो, ये चीज़ आपको एक अच्छे से ध्यान में रखनी होती है. ओके, अभी मैं क्या करूँगी, ऐसे आपको लगाना है. ऐसे आपको एक शेप देना है. ओके, फिर आपको ब्लेंडिंग करनी है. ओके, ये जो लाइन है इसको आपको मर्ज करके फिर पिंक और जो ब्लैक है आपको एक कर देना है. लाइन आपको नहीं रखनी है, जस्ट लाइक दिस, एकदम लो प्रेशर देके आपको ब्लेंडिंग करनी है जितना हो सके उतना. ओके, ओके, ठीक से ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, अभी हमको ग्लिटर अप्लाई करना है. ओके, आपके पास लूज पिगमेंट वाला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैलेट में से है तो आप पैलेट में से भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, वो ग्लिटर अप्लाई करके दिखाती हूँ. ओके, फिर ग्लिटर लगाने के बाद मेरा जो आईब्रो बोन है मैं उसे हाईलाइट करूंगी. ओके, फिर अभी आपको क्या करना है, ये जो अपने अंडर आई एरिया में पाउडर लगाया था उसको पाउडर ब्रश की मदद से रिमूव करना है. ओके, अभी मैं ये ब्रश लूँगी, एकदम छोटा सा फ्लफी सा, और ये ब्रश जो है लोअर लैश लाइन के लिए यूज़ होता है. अभी मैं सेम ब्लैक और पिंक यूज़ करूँगी. ओके, फिर लाइनर ब्रश से
ये आई शेडो मैं आपको इस साइज पे भी करके दिखाती हूँ. ओके ओके सो गाइज, आई शेडो मेरा कंप्लीट हो चुका है. जस्ट आई गेस 4 से 5 मिनट्स में आपका ये आई शेडो कम्प्लीट हो जाएगा. बहुत ही अच्छा आई शेडो है, आप ज़रूर ट्राई करना. और आपको जो भी शेड पसंद है, आप अपनी जिस शेड का भी ड्रेस पहना हो उस शेड का आप यू नो शिमर लगा सकते हो. मैंने जिस कलर का ड्रेस पहना है उसी कलर का जो ये शेड है वो मैंने लगाया है. बहुत ही ब्यूटीफुल. अगर जिनकी आईज बड़ी बड़ी है और थोड़ी बार है यू नो उनके ऊपर तो ये आई शेडो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. तो ज़रूर इस आई शेडो को ट्राई कीजिए. और मैं जो है थोड़ा सा टचअप करके आ जाती हूँ. ओके, फिर आपको मेरा पूरा लुक बता देती हूँ एक बार. सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक. और आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है. आप पार्टीज़ में और शादी में ट्राई कर सकते हो ये स्मोकी आई वाला लुक. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. आई गेस 5 to 6 मिनट्स में ये जो आई शेडो है कम्प्लीट हो जाता है. और बेस के ऊपर अगर आपका ब्लशर, कॉन्टोरिंग, लिपस्टिक, हाईलाइट एकदम परफेक्ट हो गया तो ट्रस्ट मी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा. सो इस आई शेडो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो. और भी नए नए वीडियोस आएंगे मेरे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड. और हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते रहिएगा. सो मेरी जो भी नए नए अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं. तो सपोर्ट करते रहिएगा. और मेरे और भी नए नए वीडियोस जो है, अच्छे अच्छे कॉमेडी शॉर्ट्स जो है आते रहेंगे. मैं आपको एंटरटेनमेंट करती रहूँगी बिकॉज आई लव एंटरटेनिंग यू गाइस. मुझे आपको एंटरटेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं वो करती रहूँगी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.